आप लोग देख रहे होंगे कि जो नए कृषि कानून आए हुए हैं तीन आपके, इसको लेकर कितना विवाद चल रहा है। 2 ढाई महीने से आप लोग देख रहे हैं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, और कल भी आपने देखा है 26 जनवरी को क्या हुआ है। फिर भी आप देखिए कि एक तरह से हम लोग चुप हैं, और आपने देखा है सरकार ने एक तरह से ऑफर भी दिया है कि 3 साल के लिए, यानी कि 1.5 से 2 साल के लिए, या फिर आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसे होल्ड कर सकते हैं, यानी कि ये कानून नहीं लागू करेंगे, आप समझ रहे हैं। या फिर किसान किस बात पर अड़े हुए हैं कि इसे निरस्त कर दीजिए, इन कानूनों को खत्म कर दीजिए। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इससे पहले भी कई कानून इस तरह से होल्ड भी किए गए हैं और कई कानून खत्म भी किए गए हैं, आप समझ रहे हैं। तो एक तो आपने देखा होगा कि इन तीन कानूनों के बारे में आप लोग जानते होंगे। कृषि, पहला तो है आपका कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा विधेयक या कानून 2020। आप लोग याद रखिए, विधेयक तब कहते हैं जब आपने देखा होगा कि ये एक क्या रहता है, लोकसभा और राज्यसभा में रहता है, तब तक ये विधेयक कहलाता है। और आपने देखा है कि पहले ही ये तीनों कानून आपके अध्यादेश के द्वारा आए हुए थे। अध्यादेश की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के साहब, राष्ट्रपति साहब के पास। आर्टिकल 123 यानी कि अनुच्छेद 123 के तहत आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति अध्यादेश लाते हैं मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। और यही शक्ति आप देखेंगे राज्यपाल साहब को कौन से आर्टिकल के तहत मिली हुई है? आर्टिकल 213 के तहत, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद आप देखिए कि कुछ समय के बाद इन्हें पास करवाना होता है लोकसभा राज्यसभा, और लोकसभा राज्यसभा में जब तक रहते हैं ये विधेयक कहलाते हैं। जैसे ही आप देखेंगे इस पर, जैसे ही आपका राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे, यानी कि राष्ट्रपति साहब की सहमति मिलेगी, एक कानून बन जाते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका मूल आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध कानून ए 2020। तीसरा है आपका आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, ठीक है, इन तीन को याद रखिए। किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? उनका कहना है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, और दूसरा उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर आंदोलन चल रहा है, ठीक है। तो एक सामान्य जानकारी है, वैसे मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत विस्तार से जान लिया होगा, क्योंकि बहुत दिनों से आप देख रहे हैं कि डेली डेली आप लोग किसान आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब बात आती है कि होल्ड करने की या कानून को खत्म करने की। इससे पहले एक बात और याद रखिए आप लोग कि जो भी आंदोलन होता है, आपने देखा है कि पहले आंदोलन में फूट डालने की कोशिश की गई है, फिर आपने देखा है उन्हें जो फंडिंग दे रहा था उन पर भी एक तरह से दबाव डाला गया, आपने देखा है, फिर भी सफल नहीं हो पाई सरकारें। तो उसके बाद आप सोचिए कि एक तरह से अब आंदोलन को खत्म करने के लिए कुछ और चालें चली जा रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी के समय ये होता है, आप समझिए कांग्रेस के समय भी आंदोलन में आप लोगों को इस तरह के तत्व देखने को मिलेंगे। छोड़िए कांग्रेस को, आप लोग अंग्रेजों के समय जाइए आप लोग, कि पहले क्या होता था कि कोई एक तरह से क्या करता था, आंदोलन करता था, तो उस पर क्या कहते थे कि उसमें फूट डाल देते थे। और आपने देखा है कि अंग्रेजों ने 200 साल तक हमारे ऊपर शासन किया, फूट डालो राज करो की नीति। आप अगर एक व्यक्ति की वजह से अगर पूरे किसान आंदोलन को बदनाम करें तो मुझे लगता है कि ये न्याय नहीं है कहीं भी। और जिस व्यक्ति ने, देखिए मुझे जहां तक, मैं न्यूज देख रहा था आज, न्यूज पेपर पढ़ रहा था, कई आर्टिकल भी निकले हुए हैं आपके, आप लोगों ने भी देखे होंगे। तो आप समझिए कि अगर आप पूरी तरह से एक व्यक्ति, एक दो व्यक्ति की हिंसा का कारण एक तरह से पूरा किसान आंदोलन को कर दें, तो मुझे लगता है ये किसान आंदोलन का के साथ न्याय नहीं है। आप समझिए 60 से 62 दिनों से वो जिस तरह से शांत बैठे हुए, अगर उन्हें हिंसा करनी होती तो तभी से ना कर देते। और फिर कहा जा रहा है कि वो से व्यक्ति जो वहां झंडा लगाया हुआ है ये गलत है, इसको कोई सही नहीं मानेगा, झंडा लगाने को कोई सही नहीं मानेगा। कहा जा रहा है कि उसका पॉलिटिकल कैरियर भी है, कई लोगों से उसका राजनीतिक जुड़ाव भी है, कई लोगों के साथ उसकी फोटो भी है उस व्यक्ति की जिसने झंडा लगाया हुआ है। सबसे बड़ी बात एक और आती है, आप खुद सोच के देख लीजिए, अगर 10-50 लोग अगर इस तरह से दिल्ली में घुसते हैं, वो जबरदस्ती अगर लाल किले तक पहुंच जाते हैं, तो ये हमारी सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी को भी दर्शाती है। आप खुद देख लीजिए, कोरोना महामारी आई तो मुझे लगता है कि हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी उसे उजागर किया हुआ है, और कल जो हुआ है उसने हमारी सुरक्षा एजेंसियों का, जो भी हमारी पुलिस व्यवस्था है उसको उजागर कर दी है। कई जगह तो आप देखेंगे पुलिस वाल, कई जगह झड़प भी हुई है, मुझे लगता है झड़प हुई है, इससे कोई मतलब नहीं है ज्यादा। आप खुद सोच के देखिए,
इस तरह तो कोई 10-50 लोग मिलेंगे और दिल्ली में चढ़ाई कर देंगे और लाल किले पर झंडा भी फहरा देंगे। कई लोगों के हौसले भी बुलंद हुए होंगे इससे। आप एक बात हमेशा याद रखिए, इतना आसान नहीं होता है लाल किले तक पहुंचना। हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर है, आप समझ रहे, हमारी शान है। अगर उस तक पहुंच रहा है तो मिलेगा भगत रही होगी किसी ना किसी की, समझ रहे हैं। तो इसमें आप लोग एक तरह से अपना दिमाग लगाया करिएगा। मैं देख रहा हूं सुबह से कि कई लोग पोस्ट लिख रहे हैं किसानों के खिलाफ, जब किसानों ने साफ साफ बोल दिया कि उनसे कोई मेरा लेना देना नहीं। और मैंने खुद देखा, आप लोगों ने देखा कि किसान किस तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, तो उनके बारे में गलत बोलना मुझे लगता है कि हमें शोभा नहीं देता है। समझ रहे हैं कि एक व्यक्ति अगर बीच में आके, वही कहते हैं ना कि एक व्यक्ति एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो मुझे लगता है उस मछली को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। उस पे जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है उसे दीजिए, लेकिन पूरे कृषि का मतलब जो भी आंदोलन कर रहे हैं उन्हें एक तरह से रोक देना या उन पर पूरी तरह से, एक तरह से आप समझिए, जिम्मेदार ठहरा देना, मुझे लगता है कि ये संभव नहीं हो, ये न्याय भी नहीं हो सकता है। आपको खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। एक और हमारे देश में बड़ी अच्छा चलन चला हुआ है कि कोई भी गलत होता है उसके लिए या तो आप लोग बीजेपी को ठहरा दीजिए या कांग्रेस को। बीजेपी क्या करती है कि कांग्रेस पर डालती है, कांग्रेस बीजेपी पर, और दूसरी पार्टियां एक दूसरे पर डालती रहती हैं। कोई किसी गलती के लिए अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराता है। इसे छोड़िए आप लोग, आप खुद अपनी जिंदगी में देख लीजिए, आपसे कहीं गलती हो जाती है तो आप अपनी गलती को दूसरे पर डाल देते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, तो ये भी देखा देखने को आपको मिला होगा। खैर छोड़िए, इसमें हम लोग राजनीति में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जितनी हमारे यहाँ की राजनीति गिर सकती है और हमारी मीडिया जितनी गिर सकती है उतना शायद मुझे लगता है किसी देश में मीडिया नहीं गिरी होगी। आपने दूसरी तरफ उपद्रव, जो भी ये लोग थे, जो भी जिन्होंने भी ये एक तरह से हिंसा की है उनकी फोटो दिखाई, दूसरी तरफ आपने देखा है कि किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, रैली निकाल रहे थे, उन पर फूल बरसाए जा रहे थे दिल्ली के लोगों द्वारा, पुलिस के साथ भी उनकी बड़ी अच्छी एक तरह से एकता थी, उनको आप लोगों ने नहीं दिखाया। तो आपने देखा होगा मीडिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, एक तो सही होता है तो उसमें मतलब हम आम जनता को एक तरह से मालूम ही नहीं चल रहा है कि सही क्या है गलत क्या है। आप समझिए, एक गलत मान लीजिए कि एक तरह से आप समझिए कि कोई गलत बात है, उसे आप लोग अगर 10 बार न्यूज चैनल पर दिखा देंगे तो जनता उसे सही मान लेती है। ये जनता बहुत भोली भाली है, आप समझ रहे हैं। आप समझते हैं नेता आपके यहाँ आता है और एक तरह से वादा करता है चला जाता है, ना तो आपके बच्चों के लिए शिक्षा रहती है ना स्वास्थ्य की व्यवस्था रहती है। झूठे वादे पर आप लोग अगर एक तरह से जनता आपके बहकावे में आ जाती है तो कोई व्यक्ति उनकी एक तरह से बहकावे में उन किसानों को ले जाता है तो आप उसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराते हैं। तो मैं भी मानता हूं कि पूरा पूरी तरह से गलत है, कोई धार्मिक झंडा नहीं फहराना चाहिए, क्योंकि हमारा देश धर्म निरपेक्ष है, आप समझ रहे हैं, और हमारे तिरंगे झंडे की जगह कोई नहीं ले सकता है। लेकिन इसकी जांच होना चाहिए, विस्तार से जांच होना चाहिए और सबकी एक तरह से बारे में सबकी खबर लेना चाहिए, ठीक है। जहां भी एजेंसियों की एक तरह से चूक रही है उन्हें भी देखना चाहिए। खैर छोड़िए, आप लोग इसमें राजनीति में मत भीजिए। अब किसानों के 3 कानूनों की बात करते हैं। किसानों ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को 1 से 1.5 वर्ष तक टालने के सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसान जोर देकर कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। आप देखिए कि सरकार क्या एक तरह से ऑफर दे रही है कि इसे 1.5 से 2 साल तक हम लोग टाल सकते हैं, लागू नहीं करेंगे, इस पर एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी जो भी कहेगी उन्हें बात को मानी जाएगी। लेकिन मैं किसी एक किसान नेता का भाषण सुन रहा था, मुझे बड़े अच्छी मतलब उसने बात कही। उसने कहा है कि वो किसी बकरे को लाइए आप लोग, उस पर एक तरह से उसके चाकू उसके गले पर रख दीजिए और फिर उससे कहिए कि आप लोग की 2 से 2.5 साल तक आपको जिंदा रहने देते हैं, लेकिन आप कटेंगे क्लियर, तो मैं इस कानूनों को क्यों मान लो। और दूसरी बात आप समझिए कि इसमें किसान जो भी कृषि कानून आए हुए हैं किसानों को इसमें फायदे भी हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये सभी पूरी तरह से गलत कानून है, इसके कई फायदे हैं किसानों को, उनकी आय को भी बढ़ाएंगे,
लेकिन इसमें कई उन्हें किसानों को गलतियां भी दिखाई दे रही हैं, और मुझे लगता है कि सरकार अगर उन्हें नहीं समझा पा रही है तो इन कानूनों को लागू करने का कोई मतलब नहीं है। एक सबसे अच्छा मुद्दा हमें किसानों की तरफ से भी अच्छा लगा कि एमएसपी पर कानून बनाइए, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, इससे कम पर कोई नहीं खरीदेगा, फिर चाहे वो कोई व्यापारी हो या बिचौलिया हो या सरकार हो। तो मुझे लगता है कि ये कानून होना चाहिए कि हमारे किसान, हमारे देश के किसानों के जो भी फसल उपजाते हैं उसका सही रेट तो मिले, कम से कम मूल्य मिले। आप देखते हैं कि गांव में बनिया क्या करता है, अगर सरकार 20 रुपये किलो गेहूं खरीद रही होती है तो बनिया 14 से 15 रुपये किलो गेहूं खरीद रहा होता है, तो उस पर पाबंदी तो लगनी चाहिए ना। तो मुझे ये बात अच्छी लगी, पर्सनल लगी अच्छी। अब आप लोगों को लगती है या नहीं? और आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति भी बनाई हुई थी, उस समय भी मुझे एक किसान अच्छी बात किसी की लगी कि मेरा कातिल ही एक तरह से क्या है, ये बड़ी अच्छी बात है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिब है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। आप समझ रहे हैं कि जो कृषि कानून की समिति बनाई गई थी एक तरह से, इस पर जो भी सुझाव देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि हमारे उच्चतम न्यायालय ने जो बनाई थी, उसमें वो तीनों लोगों को शामिल किया गया था जो कृषि कानून के पक्ष में एक तरह से लिखते आए हैं, कृषि कानूनों का एक तरह से क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का निर्णय उनका आता, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं कि इन तीनों कृषि कानूनों के कई फायदे हैं, कई फायदे हैं, समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन उन फायदों को अगर आप किसानों को नहीं समझा पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसमें आप लोगों को बीच का रास्ता निकालना चाहिए। याद रहे कि बीते कुछ वर्षों में संसद ने कई कानूनों को निरस्त भी किया है, और ऐसे भी कई कानून हैं जो पारित होने के बावजूद कई वर्षों तक लागू नहीं किए गए। इसे ही आप लोग एक आमतौर पर होल्ड कह देते हैं कि होल्ड लग गया। कानून लाना या निरस्त करना, संसद के पास देश के लिए कानून बनाने और उसे निरस्त करने अथवा समाप्त करने की शक्ति भी है। यदि कोई कानून असंवैधानिक है तो न्यायपालिका के पास भी उस कानून को समाप्त करने की शक्ति है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास। विधेयक एक प्रकार का प्रस्तावित मसौदा होता है जिसका लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक होता है, यानी कि विधेयक आप समझिए कि कोई या तो लोकसभा में आता है या राज्यसभा में आता है, लेकिन इन्हें दोनों सदनों से पास होना पड़ता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाना पड़ता है, और केवल राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कोई विधेयक अधिनियम बनता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई अधिनियम नहीं बन सकता है, ठीक है। कानून के संबंध में निरसन का अर्थ है किसी विशिष्ट कानून को रद्द करने अथवा उसे उसे समाप्त करने से है। कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी भी अधिनियम को पूर्णता अथवा आंशिक रूप से समाप्त अथवा निरस्त किया जा सकता है। पर आप देखेंगे राष्ट्रपति की स्वीकृति की अगर बात करें हम लोग, तो संविधान के अनुच्छेद 111 के मुताबिक राष्ट्रपति या तो विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है या फिर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, यानी कि वीटो लगा सकता है, यानी कि पॉकेट वीटो, यानी कि कुछ समय के लिए रोक सकता है। यदि राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति देता है तो विधेयक को संसद के समक्ष पुनर्विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, और यदि संसद एक बार पुनः इस विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति के पास उस विधेयक को मंजूरी देने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं होता है। एक तरह से आप समझिए कि अगर राष्ट्रपति साहब उस पर पुनर्विचार के लिए कहते हैं तो संसद के पास दोबारा जाएगा, लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन अगर दोनों सदन एक बार फिर से उसी तरह का प्रस्ताव राष्ट्रपति के साहब के पास भेजता है तो आप समझिए इस पर राष्ट्रपति को सहमति देनी होगी, राष्ट्रपति के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमारे यहाँ के राष्ट्रपति को एक तरह से रबर स्टाम्प की तरह है। आप समझिए वास्तविक शक्ति आपकी संसद के पास है, प्रधानमंत्री साहब के पास होती है, नाममात्र की शक्ति होती है राष्ट्रपति के साहब के पास। आप जानते हैं कि जो पार्टी राष्ट्रपति को चुनेगी, आप जानते हैं राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। रामनाथ कोविंद को आप जानते हैं कि एनडीए की तरफ से खड़ा किया गया था, यानी कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की ओर से। इसीलिए आप देखते हैं कि बीजेपी का एक तरह से आप कहिए कि राष्ट्रपति है, और आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री की, हमारे प्रधानमंत्री जो सलाह देंगे एक तरह से, हमारी मंत्रिमंडल जो सलाह देगी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति साहब को, आप समझ रहे, उस पर राष्ट्रपति एक बार कह सकते हैं कि चलिए इस पर विचार कर लीजिए आप लोग, लेकिन अगर मंत्रिमंडल दोबारा उसी तरह की सलाह देती है तो राष्ट्रपति साहब के पास उसे मना करने का कोई जरिया नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग?
इस तरह राष्ट्रपति के पास निलंबनकारी वीटो की शक्ति होती है। और कानून का परिचालन की अगर बात करें तो नियम और विनियमन, संसद सरकार को किसी भी अधिनियम के कुशल क्रियान्वयन के लिए नियम और विनियम बनाने का दायित्व देती है। सरकार के पास ना केवल नियम बनाने की शक्ति है बल्कि वह स्वयं द्वारा बनाए गए नियम और विनियम को समाप्त भी कर सकती है। यदि सरकार नियम या विनियम नहीं बनाती है तो वह पूरा अधिनियम अथवा उस अधिनियम का कुछ विशिष्ट हिस्सा लागू नहीं होता है। वर्ष 1988 का बेनामी लेन देन अधिनियम इस तथ्य का प्रत्यक्ष उदाहरण भी आपको देखने को मिलेगा, जो विनियमों के अभाव में लागू नहीं हो सका है। समयावधि की बात करें तो संसद की सिफारिश के मुताबिक सरकार को कानून पारित होने के बाद 6 माह के भीतर नियम बनाने होते हैं और संसदीय समिति के मुताबिक विभिन्न मंत्रालयों द्वारा इन सिफारिशों का उल्लंघन किया जा रहा है। अब देखिए आप लोग राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या क्या है। तो राष्ट्रपति के पास मुख्यतः 3 प्रकार की वीटो शक्ति होती है, अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। ये हमारे राष्ट्रपति साहब के पास 3 तरह की शक्तियां हैं, वीटो शक्तियां हैं। अपवाद की बात करें तो संविधान संशोधन विधेयक को लेकर राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं होता है। अगर संविधान में संशोधन विधेयक होता है, कोई संशोधन होता है, तो उसमें आप देखेंगे राष्ट्रपति साहब के पास कोई वीटो की शक्ति नहीं होती है। अब बात करते हैं अत्यंतिक वीटो की, तो इसका अर्थ है कि संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है और इस प्रकार वह विधेयक समाप्त हो जाता है और वह अधिनियम नहीं बन पाता है। और इसे प्रायः निम्नलिखित 2 स्थितियों में प्रयोग किया जाता है, जब संसद द्वारा पारित विधेयक एक गैर सरकारी विधेयक अथवा निजी विधेयक हो, यानी कि सरकार की तरफ से ना हो। क्योंकि आप देखेंगे सरकार की तरफ से अगर कोई विधेयक लाता है तो उस फील्ड का मंत्री जो भी होगा वही लाएगा, आप समझ रहे हैं। तो ये क्या होता है, या तो जो विपक्ष में होता है उसकी तरफ से लाया जाता है या किसी निजी व्यक्ति की तरफ से। जब विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति मिलने से पूर्व भी मंत्रिमंडल द्वारा त्याग पत्र दे दिया जाए और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को विधेयक पर सहमति ना देने की सलाह दे, तब इस तरह की वीटो का प्रयोग कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। दूसरा आप देखते हैं निलंबनकारी वीटो। तो राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा देता है। यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है। यानी कि आप कहिए कि एक बार उन्होंने पुनर्विचार के लिए लौटाया है और मंत्रिमंडल ने अगर उसी तरह का जो भी संशोधन किए बिना ही उसे वापस भेजा राष्ट्रपति के साथ, तो राष्ट्रपति साहब को इस पर सहमति देनी होगी। अपवाद की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा धन विधेयक के संबंध में निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, याद रखिए। और फिर आप देखते हैं एक होती है पॉकेट वीटो। इस मामले में राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक पर ना तो अपनी सहमति देता है और ना ही उसे अस्वीकृत करता है और ना ही लौटाता है, किंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को निलंबित कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जिसे 10 दिनों के भीतर विधेयक को वापस भेजना होता है के विपरीत भारतीय राष्ट्रपति के समक्ष कोई बाध्यकारी समय सीमा नहीं होती है, यानी कि लंबे समय तक अपने पास रख सकता है राष्ट्रपति इस तरह की कोई भी आप समझिए प्रस्ताव हो या आप समझिए विधेयक हो, ठीक है। राज्यों पर अगर वीटो की बात करें तो राज्यपाल के पास राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विशिष्ट प्रकार के विधेयकों को आरक्षित करने का अधिकार होता है, किसके पास, राज्यपाल के पास। आप देखते हैं जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी तरह आप देखते हैं राज्य में राज्यपाल होता है। राज्यपाल को आप जानते हैं राष्ट्रपति नियुक्त करता है, समझ रहे हैं आप लोग। राष्ट्रपति न केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार भी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर अस्वीकृति प्रकट कर सकता है। इस तरह राज्य विधेयकों के मामले में राष्ट्रपति को अत्यंतिक वीटो की शक्ति प्राप्त होती है, ना कि निलंबनकारी वीटो की शक्ति। इसके अलावा आप देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयकों के संबंध में भी पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें आप देखेंगे लंबे समय तक वो अपने पास रख सकते हैं। तो यही है आपकी कहानी, जो भी 3 कृषि कानून रद्द या होल्ड करने की बात की जा रही है। राष्ट्रपति के साथ जो वीटो करने की शक्ति है, पॉकेट वीटो हो गया या बाकी 2 शक्तियां हैं उनकी बात कर ली है। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी कोई आता है, कोई इस तरह की घटना होती है, तो उस पर न्यूट्रल होकर सोचा करिएगा, समझ रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे 70-80% लोगों का दिमाग कोई और कंट्रोल कर रहा होता है। अभी आप लोग फेसबुक पर देखिए
कितने गंदे गंदे कमेंट किए जा रहे हैं, किसानों को किस तरह से गाली दी जा रही है। आप समझिए कि पूरी तरह से किसानों को आप लोग जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि किसान 2 महीने से, आप लोगों ने 2 ढाई महीने से देखा है कितने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। आप उन्हें एक तरह से पूरी तरह से जिम्मेदार ठहरा दें, ये तो मुझे लगता है कि सही नहीं है। और आपको खुद सोचना चाहिए कि अगर इतने लोग रैली निकालते हैं तो क्या आपके पास कोई विकल्प है? अगर कोई हिंसा होती है उन्हें संभाल उसे संभालने की, आप समझिए कि कई विचारधारा के लोग शामिल हो जाते हैं जब लाखों लोग रैली निकाल रहे हो, लाखों लोग आंदोलन कर रहे होते हैं। तो हमें भी अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए था, समझ रहे हैं? तो हर कोई इसके लिए जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि जो इसके लिए असल में जिम्मेदार है उसे ही आप कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे लगता है किसानों के आंदोलन पर धब्बा लगाना एक गलत है, ये न्याय नहीं है, मुझे लगता है। फिर आपकी सोच है और अलग अलग सोच हो सकती है उस पर, कि बाध्यकारी थोड़ी है, जैसी मेरी सोच होगी वैसी ही आपकी होगी, ठीक है? चलिए, आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग इन पर ध्यान कम ही दिया करिएगा।